नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस शेख आप सभी का आज की स्टोरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये कहानी है दुनिया के सबसे हॉरर मूवीज में से एक द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज के बारे में। कहानी में बताई गई हर एक बात एमिलीज विशेल नाम के एक लड़की से रिलेटेड है। इस कहानी में का हर एक तथ्य और घटना एनिलिस मिशेल के रियल जिंदगी में हुई सच्ची घटना पर आधारित है। जर्मनी में रहने वाली 16 साल की एनिलिस को 16 साल की उम्र में ही बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो गई थी, जैसे कि किसी भी साधारण सी बात पर एनिलिस को गुस्सा आ जाता था। इतना ही नहीं बल्कि एनिलिस किसी भी बात पे कभी कभी रिएक्ट ही नहीं करती, बल्कि नींद में चलने की बीमारी भी एनिलिस को हो चुकी थी। कभी कभी बिना वजह किसी बात पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करते हुए किसी भी बात पर चिल्लाने लगना, ऐसी सारी बातों को एनिलिस 16 साल की उम्र से ही फेस कर रही थी। एक बार की बात है, एनिलिस अपने कमरे में सोई हुई थी और उसे अचानक फिट्स यानी के मिर्गी के दौरे आने लगे। जब उसे मिर्गी के दौरे आने लगे तो उसके माँ बाप ने तुरंत ही एनिलिस को लेकर वे डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने उसके माँ बाप को बताया कि एनिलिस असल में बहुत ही ज्यादा मेंटल इलनेस को फिलहाल फेस कर रही थी। एनालिस की प्रॉब्लम्स और ज्यादा न बढ़ जाए और वो मेंटली और भी ज्यादा बीमार न हो जाए, इसलिए डॉक्टर ने उसे अच्छी सी दवाइयां दी जिसके उसका मेंटल इलनेस कम हो सके। लेकिन डॉक्टर ने जो सारी दवाइयां दी थी उसका एनालिस पे जरा सा भी कुछ भी असर नहीं हुआ। बाद में 1973 में जब एनालिस 21 साल की हुई तो उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी, यानी कि 16 साल की उम्र से एनिलिस मेंटल इलनेस तो फेस कर ही रही थी, लेकिन कितना भी इलाज और डॉक्टर्स को बताने के बाद भी एनिलिस की प्रॉब्लम कुछ घुमाने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टा उसकी प्रॉब्लम्स 21 साल होने के बाद फिर से ज्यादा बढ़ने लगी। इन सब मेंटल इलनेस को फेस करते करते एनिलिस ये सोचने लगी कि हो न हो उसके अंदर आत्मा यानी कि बुरी शापित आत्माओं का साया है। एनिलिस जहां भी जाती, स्कूल कॉलेज ट्यूशन या फिर सुपरमार्केट या फिर कहां भी जाती, वहां उसे भूत दिखने लग जाती। वो अपने दिमाग में 24 घंटे यही बात सोच रही थी कि भूत उसके इर्द गिर्द है। इतना ही नहीं बल्कि बेडरूम में जब भी एनिलिस अकेले बैठती तो उसके कान में कुछ इस तरह से बातें सुनाई देती, तू पापी है और तू नरक में सड़ेगी और तू नरक में सड़ेगी। ये सारी बातें एनिलिस को कानों में सुनाई दे रही थी। एनिलिस दिन ब दिन मेंटली अनस्टेबल ज्यादा हो रही थी। वक्त के साथ साथ एनिलिस की प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ना तो वो किसी चर्च में जा पाती या ना फिर वो किसी भगवान की फोटो देख पाती। वे जब भी ऐसा करने की कोशिश करती तो उसे बहुत ही अजीब फिट्स आने लग जाती। एनिलिस की ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इस प्रॉब्लम को फेस करते करते एनिलिस इस वक्त में और इस हद तक जा चुकी कि वे अब कीड़े खाने लगी थी। अल्लिया भी वो कभी कभी खा लेती थी। इतना ही नहीं बल्कि एनिलिस जब भी अकेली होती या फिर रात के वक्त एनिलिस हाथों के बल चलने लगती और अपने रूम में के तकिए भी फाड़ने लगती, यानी कि एनिलिस पूरी तरीके से एक बुरी आत्मा की तरह बिहेव करने लगी थी। ये सब देखकर एनिलिस के घर वाले और उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए। जाहिर है कि घर में कोई मेंबर अगर ऐसे करता है तो चिंता होना तो जाहिर है। उसके माता पिता को वो ये यकीन हो चुका था कि एनिलिस के अंदर कोई बुरी आत्मा है। इन सब से परेशान होकर जब एनिलिस के माता पिता चर्च के प्रीस्ट के पास गए तो उन्होंने जब चर्च के प्रीस्ट को सारी बात बताई और मदद के लिए कहा
तो चर्च के प्रियस्ट तैयार नहीं हुए। लेकिन जब एनालिस के माता पिता के बहुत बुलाने के बाद चर्च के प्रियस्ट मदद के लिए तैयार हो गए और एनालिस को देखने के लिए घर आ गए। लेकिन जब एनालिस को देखने के लिए चर्च के प्रियस्ट उसके माता पिता के साथ घर आए तो वे जब एनालिस के कमरे में गए तो उन्होंने जो अंदर का नजारा देखा उससे उनकी आंखें दंग रह गई। उन्होंने देखा कि जैसे ही प्रियस्ट अंदर गए तो एनालिस उनको देखकर उल्टे हाथों पर चलने लगी। इतना ही नहीं बल्कि प्रियस्ट को देखकर एनालिस चिल्लाने लगी, अपना सर दीवार पर पटकने लगी। ये सभी नजारा देखकर प्रियस्ट की ये समझ में तो आने लगा था कि एनालिस बहुत ही ज्यादा खतरनाक किसी आत्मा के वश में है और उन्होंने अब सोच लिया कि कुछ भी करके एनालिस को इस आत्मा के मुक्त कराना है। प्रियस्ट ने एनालिस के माता पिता से बात की और उन्होंने उन्हें बताया कि अगर हमें एनालिस को अच्छा करना है तो उसका एग्जॉर्सिज्म करवाना पड़ेगा। एग्जॉर्सिज्म का मतलब होता है किसी भी बुरी आत्मा का इंसान में से काट देना, इसी को एग्जॉर्सिज्म कहते हैं, जिसकी मान्यता क्रिश्चियनिटी में दी गई है। 1975 में एनालिस के कमरे में रोजाना से एग्जॉर्सिज्म शुरू हो गया और 1975 से लेकर 1976 तक यानी के पूरे 10 महीने तक लगातार एनालिस के कमरे में एग्जॉर्सिज्म प्रियस्ट करते। तो जब भी एग्जॉर्सिज्म के लिए प्रियस्ट एनालिस के कमरे में जाते तो एनालिस को बांधना पड़ता। वे जब भी एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करते तो एनालिस बहुत ही बुरी तरीके से रिएक्ट करती और चिल्लाने लगी। उसके अंदर की आत्माएं बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगी और बहुत दिनों के एग्जॉर्सिज्म के बाद चर्च के प्रियस्ट को पता चला कि असल में एनालिस के अंदर एक नहीं बल्कि 6 खतरनाक आत्माएं थी। इसी वजह से एनालिस इतनी ज्यादा परेशान और मुश्किल में पड़ी थी। एग्जॉर्सिज्म के दौरान एनालिस ने खाना पीना छोड़ दिया। वे बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी। उसके माता पिता कितनी भी कोशिश करते लेकिन एनालिस खाना और पीना बिल्कुल नहीं खा रही थी। खाने और पीने की कमी और डिहाइड्रेशन के कारण 1976 यानी 1976 में एनालिस की मौत हो गई। 1 जुलाई 1976 को जब एनालिस की मौत हो गई तो उसके मौत का जिम्मेदार मानते हुए चर्च के दोनों प्रियस्ट और उसके माता पिता को जेल हो गई। लेकिन पुख्ता सबूत ना होने के कारण 6 महीने के बाद ही वे सभी बेल पर छूट गए। लेकिन आज तक उस घर में जो कि एनालिस का था उसकी एग्जॉर्सिज्म की खतरनाक चिल्लाने की आवाजें आज भी आती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि स्टोरी में कितनी सच्चाई थी या फिर एनालिस कोई मेंटली स्टेबल यानी कि मेंटल इलनेस को फेस कर रही थी? आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और ऐसे ही नए क्राइम और हॉरर वीडियोस के लिए चैनल का बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय हिंद।